मौजूद है हमारे साथ, पंचकुला से विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सर आज जन विकास रैली हो रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे यहाँ पर 12 बजे। देखिए, 2 साल के कोविड काल के पश्चात पहली बार एक जन विकास रैली आज हमने पंचकुला के अंदर आयोजित की है और अभी कुछ ही देर के अंदर जो रैली शुरू होने वाली है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पहुंचने वाले हैं और जिस प्रकार का उत्साह सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, सभी जनता के अंदर इस रैली को लेकर के है, एक बहुत ही अद्भुत उत्साह देखने को मिलता है। और आज मुख्यमंत्री जी पंचकुला को बहुत बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। लगभग 350 करोड़ रुपए की सौगात आज पंचकुला को देकर के जाएंगे, तो इसको लेकर के पंचकुला के लोगों में भारी उत्साह है। और ये जो मैं कहूँगा कि पहली बार एयर कंडीशन रैली हो रही है, ये जो आगे जो रैली हैं सब बाहर पंखों में होती थी, लेकिन ये हमारा जो 5,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हमारे पास स्थान है, तो लगभग 8-10 हजार लोग जो हैं इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सर क्योंकि आपने एक बात कही थी कि महिलाओं का जो भागीदारी ज्यादा रही है आज की रैली में। देखिए बिल्कुल, आज की महली में जो रैली है हमारी महिलाओं के नाम है। जिस प्रकार से महिलाओं ने 4 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है, तो उसी के कारण आज हमने ये रैली जो है वो अपनी महिलाओं के नाम हमने की है। पंचकुला एक अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि ट्राई सिटी से लगा हुआ है, चंडीगढ़ से लगा हुआ है और एक स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है पंचकुला। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें पहले सौगात दी है उसके अंदर सबसे बड़ी सौगात जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो पंचकुला को घोषित किया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के पश्चात एक स्मार्ट सिटी पंचकुला बनकर के आएगा और विकास की दृष्टि से कहीं पर भी कोई जो कमी जो है वो हमें नजर नहीं आएगी। पंचकुला के नागरिक भी इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को और सुंदर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और बड़ा जोश है। सर बात करने के लिए तो हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, पंचकुला से विधायक।